आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आईटीबीपी के हिमवीर सद्भावना अभियान के तहत गंगोत्री घाटी के कोपांग से लेकर गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम देवप्रयाग तक राफ्टिंग, ट्रैकिंग एवं साइकिलिंग कर लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं फिटनेस के प्रति जागरूक करेंगे। बुधवार को आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल ने अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, आईटीबीपी अपने देश की फिटेस्ट फोर्स है, क्योंकि इसको बहुत ही हाई और हाई इलाकों में टफ कंडीशंस में ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके लिए हमारे जवानों की फिटनेस बहुत ही अच्छे लेवल की है, और वो फिटनेस रखने के लिए ट्रेनिंग का स्तर और बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आईटीबीपी काफ़ी इवेंट्स में, माउंटेनियरिंग में है, ट्रैकिंग में है, आइस एक्टिविटीज़ में है, हाई माउंटेन्स पे मैराथन करते हैं, हाई टेरेन में, तो सारे उसमें एक एक्टिविटी एमटीबी माउंटेन टेरेन बाइकिंग, इसको भी हमने ऐड किया है, क्योंकि हमारे जवानों की पूरी के पूरी फिटनेस और काबिलियत है कि इसमें भी अपना बहुत ही सुंदर प्रदर्शन करें। और इस इलाके में जो हाई माउंटेन्स का इलाका है हिंदुस्तान का, उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बहुत अहमियत है, और हमारा कोशिश है कि जितने भी माउंटेन्स में एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं उनको हम प्रमोट करें। उसका एक हिस्सा माउंटेनिंग है, स्कीइंग का है, आइस हॉकी एक्सेट्रा है, ये माउंटेन टेरेन बाइकिंग एमटीबी है, वाटर राफ्टिंग है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक फोर्स की हौसला रखने के लिए, एक्टिविटीज़ रखने के लिए और लोकल एरियाज़ में एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि इन इलाकों में हमारा टूरिज़्म बढ़े, और टूरिज़्म बढ़ने के साथ साथ देश के युवा नागरिक हैं वो सारे इन इलाकों में आए और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और ये पूरा का पूरा इलाका खुशहाल आबादी से रहे, ये हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। दूसरा सर, कुछ जवानों ने यहाँ पे कुछ समस्याएं भी गिनाई है, आपको उसका समाधान हो पाए? ऐसी कोई समस्या नहीं है जो समाधान ना हो, तो हर समस्या का समाधान निकालना हमारी जिम्मेवारी है, और हम हर समस्या का समाधान का हम समाधान निकालते हैं, बहुत जल्दी निकालते हैं। नीलोंग तक सर जो रोड है वहाँ पे कई अस्थायी पुल हैं, वहाँ पे जाने को आईटीबी में दिक्कतें होती बार बार, उसके लिए भी कोई प्रस्ताव है सर? देखिए, पिछले 5-6 साल में जो बॉर्डर एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही तेज़ गति से रोड बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे आज तक